गाइस दिस इज आजम एंड यू आर वाचिंग सो राइडर। सो कैसी है मेरी सो राइडर फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त चंगा भला आप लोगों की दुआओं से। सो भाई बिना देरी करे भाई अनबॉक्सिंग हुए हुए पैकेट को, क्योंकि भाई ऋतिक भाई तो आते चीड़ फाड़ कर दी। मैं कहा भाई अभी हमें अनबॉक्सिंग करने था जरा वीडियो के लिए, सो आओ थोड़ा अनबॉक्स करते भाई। कुछ ऐसा दिखता है ये पैकेज जो कि है मेरे पास आंसू इंजीनियरिंग वर्क्स महाराष्ट्र से। सो ऋतिक भाई की धरती बढ़ गई भाई, फाइनली क्लासिक रिबोन के लिए भी इन्होंने साइलेंसर बना दिया, जो कि आपने मेरी बाइकों में अक्सर देखा होगा, जो कि GT मेगाफोन। बट जो GT टाइप है वो यार रिबोन के लिए नहीं बना, क्योंकि GT टाइप उसमें लग ही नहीं पाएगा। BS3 में मेरी बाइक में भी पहले वाला जुगाड़ से लगा हुआ है। सो ये बेसिकली स्ट्रेट मेगाफोन है यार, स्ट्रेट और GT में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ पैसे का है। और दूसरा फर्क क्या है भाई, वो बस थोड़ा बैंड होता है, तो बैंड होकर वो ऐसा हो जाता है भाई स्ट्रेट डायरेक्ट फिटिंग होगा स्ट्रेट में, और GT टाइप हल्का अपशिफ्ट हो जाता है, बस यही डिफरेंस है। और जो कहते हैं भाई बैंड होता है, बैंड के से ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत मेरे बंदे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लुक्स का फ़र्क है। जनरल मेगाफोन बना था क्लासिक वगैरह के लिए, और जो GT मेगाफोन था वो क्लासिक के लिए नहीं था, हालांकि क्लासिक में जुगाड़ करके हम लगा लेते हैं, बस वो बना था GT 535 की फिटिंग के हिसाब से। सो आओ आराम से अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों, मज़ा आने वाला भाई, वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों पैकेज में हमें मिलता है क्लैंप, पहले तो AEW की इंग्रेव आ रहा था, बट अब सिंपल क्लैंप आ रही है, बट कोई इशू नहीं है, बट हैवी है, क्वालिटी हैवी है। और साथ में हमें मिली है ये एक एलन की फिटिंग के लिए, बेसिकली DB कलर रिमूवल के लिए है। और कवर हटाते हैं इसका। सो गाइज अनबॉक्स हो चुका है अपना साइलेंसर, और एक बार देख लो लुक्स भाई, ग्लास वूल आया करता था, बीच में इन्होंने सेरामिक वूल कर दिया, बट अब और प्रीमियम क्वालिटी का ग्लास वूल इन्होंने डाल दिया इसके अंदर। ये मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही ले ली थी, सो दैट मैं अपने व्यूअर्स को बड़े क्रिस्टल क्लियर वर्ड में बता सकूं। और फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो फिटिंग आती थी वो ऊपर आती थी, जो कि मेरी बाइक में लगा हुआ है GT वगैरह के लिए। अब क्लासिक रिबोन के लिए जो फिटिंग के हिसाब से उन्होंने फिटमेंट चेंज किया, बाकी भाई साइलेंसर एज इट इज है। ये स्ट्रेट मेगाफोन, GT नहीं मंगाया क्योंकि GT उसमें नहीं लगेगा। और भाई एक बार फिनिशिंग देख लो, और लिटरली यार जो AEW वालों का भी फिनिशिंग रहा है ना वो बहुत अच्छा लगा यार। मैंने इवन 4-5 साल तो अपने यूज़ कर लिया, बट भाई आज भी साइलेंसर एक नंबर। ये नटबोल्ट फिटिंग्स के लिए, और ये प्लेट लगकर यहाँ पे फिट हो जाएगा अपना साइलेंसर। सो वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा। और भाई साथ में हमने थोड़ा इसका शायद हमें अक्सर देना पड़ जाता, बट हमें ये मिल गया भाई, अवेल करा दिया उन्होंने DB किलर, जो कि बेसिकली यार मैं बड़ा क्लियर बता दूं, जब आप मंगाएंगे तो इसके यार एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, सो मेक श्योर कर रहे हैं जब भी आप उन्हें कॉल करें तो भाई एक्स्ट्रा उसका ये, अगर आपको DB कलर मंगाना है तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सो आओ इसको लगाते भाई बिना देरी करें। और एक चीज़ और सबसे मेन चीज़ तो रहेगी यार, AEW पुणे रजिस्टर्ड। भाई जब तक आपके साइलेंसर में स्टैंप ना हो ना यार, समझ लेना वो साइलेंसर फेक है, कॉपी है भाई। AEW पुणे रजिस्टर्ड होना चाहिए, यही है जेन्युइन ऑथेंटिक ओरिजिनल मेगाफोन। सो आओ गाइस चलते सीधा बाइक की तरफ, बातें कम काम ज़्यादा। सो गाइस आगे भाई बाहर घर के, अब क्या हो रहा है कि यार पहले मैं टोरपेडो लगाया था, टोरपेडो यार मेरे साइलेंसर की सेकंड चॉइस है, फर्स्ट मेरा AEW, क्योंकि भाई मैंने पर्सनली यूज़ भी कर लिया, और कहते हैं ना कि इतनी बाइक की रिसर्च के बाद ही मुझे AEW मेगाफोन अच्छा लगा। फिर भी एक बार मैं ग्लोब टोरपेडो की साउंड सुना देता हूँ, अभी तो ये लगा रखा था फिलहाल सेटिस्फाइड थे, कोई बात नहीं। क्वाइट सेटिस्फाइंग, मतलब ठीक था ये, पहले मैंने भी सबसे पहले टोरपेड यूज़ करा, बट उसके बाद आई स्विच टू मेगाफोन। सो आओ इसको निकालते भाई फटाफट और लगाते हैं AEW मेगाफोन, आओ शुरू करते हैं। सो गाइस ये कंपोनेंट आए हैं भाई एलन की, क्योंकि भाई DB हमने मंगाए थे, DB के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो मैं एक बार वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये आई भाई फिटिंग, जो मेरे साइलेंसर आप दिखा रहे चाहूँगा भाई, मैंने भी लगा रखा है GT मेगाफोन, और GT मेगाफोन में जो फिटिंग है देखो भाई कहाँ लास्ट में आ रखी है, और ऋतिक भाई की मैं बीच में आ रखी है, बस फिटिंग का फर्क है। बाकी भाई मेरे वाले में शायद ग्लास वूल होगा, क्योंकि बहुत पुराना साइलेंसर है, 4-5 साल हो गए, और ये सेरामिक वूल के साथ दे रहे हैं। सेरामिक वूल का मतलब ये है कि भाई ग्लास वूल से 2 गुना बेटर क्वालिटी, जो जल्दी जलता नहीं और अच्छा देता है। तो भाई क्लैंप लग चुकी है, डायरेक्ट फिटिंग है इसमें, एक एलंकी आई थी साथ में। तो भाई निकाल दिया आप ग्लोब टोरपेडो, इससे बस मन भर गया। मैंने भी जितना ऋतिक भाई ने यूज़ करा 1-2 मंथ, मैंने भी इतना ये यूज़ किया था, नोट 1-2 मंथ यार, कितने मंथ हो गए ऋतिक भाई लिए हुए? 1-1.5 महीने हो गए। 1-1.5 महीना
अरे वही एक दो महीने हमने भी पहले सन्स का यूज़ किया था टोरपेडो, बट भाई अब लगाने वाले हैं भाई मेगाफोन और स्ट्रेट ही है भाई ये जीटी टाइप, ये वाला साइलेंसर है जो आगे आके अपसिट जाता है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है भाई, जो कि बहुत अच्छी रीच भी हुई थी, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना। और भाई ये BS3 वर्जन जीटी मेगाफोन, BS6 और BS6 के लिए आता भाई स्ट्रेट मेगाफोन फ्रॉम AW पुणे। तो अभी इसमें लगा है भाई DB किलर, तो एक बार पहले फिटिंग कर लेते हैं। अभी DB यार हमें देखना पड़ेगा ये कैसे, ये टिप खुल के हटेगा या फिर यहाँ से हटेगा, आई एम नॉट श्योर, तो वो हम निकाल के आपको दिखाएंगे। भाई फिनिशिंग में अगर AW की बात करें, क्योंकि भाई मैं पर्सनली मैं खुद कई सालों से भाई AW का GT मेगाफोन यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं खुद पर्सनली बोलूँगा भाई अगर साइलेंसर में प्रीमियम क्वालिटी की बात करो और एक डायनो टेस्ट वगैरह ये सब करें तो भाई AW इज़ द बेस्ट। सो ऋतिक भाई खुद फिटिंग कर रहे हैं, जो दो पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसकी मैंने खुद शूट किया था, बट अब भाई ऋतिक भाई खुद एक्साइटेड है अपनी बाइक के लिए। सो देखो गाइज जो मेरे वाले में है वो फिटिंग यहाँ आती थी, बट अब रिबॉन के लिए डायरेक्ट फिट हो रहा है, देख रहे हो इसी क्लैंप पर डायरेक्ट फिट हो चुका है। सो एक बार DB के साथ साउंड सुनाए तो मैं आपको इसकी। सो गाइज दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम, अभी तक हमने इसको लगाकर थ्रोटल नहीं दिया भाई। ऋतिक भाई आप ही स्टार्ट कीजिए एक बार विद DB क्लच। भाई ये इसका आइडियल साउंड, एक बार आइडियल साउंड कर लो, हल्का हल्का रेट कर लो, हल्का हल्का रेट। गाइस सुना आपने साउंड, भाई एक नंबर साउंड आ रहा है, और DB किलर में इतना अच्छा साउंड अभी तक मैंने किसी साइलेंसर का नहीं सुना। बस GT650 जो है हमारी इंटरसेप्टर 650 उसका स्टॉक साउंड अच्छा है, उसके बाद भाई इसका है। तो एक बार हम देखते हैं भाई DB कैसे रिमूव होगा, हमें ये शायद पूरा टिप निकाल के देखना पड़ेगा। सो साउंड ऑफ मेगाफोन AW पुणे विद DB किलर, भाई DB किलर में तो लग रहा है बिल्कुल स्टॉक साइलेंसर। तो गाइज DB में तो आपने सुन लिया, अब DB क्लर अच्छी तरह से निकाल देंगे और चलते फिर लोकेशन पर, सुनाता हूँ साउंड। सो गाइज अब क्या करेंगे, पहले एक बार BS3 में GT मेगाफोन, भाई GT और स्टेट में कन्फ्यूज हो, सिर्फ साइज मतलब शेप का फर्क है, वो GT ऊपर जाता है और बाकी सेम ही साइलेंसर है, कोई फर्क नहीं है भाई। सो BS3 मॉडल GT मेगाफोन, तो अब हम दिखाएंगे भाई क्लासिक रिबॉन में BS6 मॉडल स्ट्रेट मेगाफोन, क्योंकि GT इसके लिए बनाई नहीं है अब तक, और GT भाई लेना बढ़ती भी नहीं क्योंकि स्ट्रेट की अच्छी है। तो लेट्स चेक द साउंड।
कैसा लगा साउंड भाई वो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई साहब कान दर्द कर गए लिटरली, मेरे BS3 में भी इतनी तेज आवाज नहीं आती और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऋतिक भाई कह रहे थे कि यार मुझे सेम साउंड चाहिए, पर भाई मेरे से भी जो 535 में साउंड आ रहा है ना कुछ उसे हल्का सा कम, भाई बिल्कुल चिंगाड़ रही है, पटाखे मार रही है और भाई साहब साउंड एक नंबर वहां पे पीछे सुन ही लिया है। तो भाई ये सर्विसर मैंने मंगाया था AW पुणे से, वेबसाइट इनकी देखो डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके इनसे मंगा सकते हैं भाई। और DP क्लियर मैंने एडिशनल प्राइसेस में लिया था, सो मेक श्योर करना भाई जब भी DP ले उसका अलग चार्जेस होते हैं। सो गाइस अगर आपको BS3 में BS साइलेंसर लगाना है तो भाई एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो जाकर देख लो। और बाकी भाई आपके सामने डायरेक्ट फिटिंग हो रहा है स्ट्रेट मेगाफोन, और ये हमें कॉस्ट किया अराउंड 4,000 रुपीज जो कि रिजनेबल प्राइस है 38 का, तो वैसे भी ये पहले से ही है 200 रुपये आपके वो कोरियर वगैरह में होंगे, तो ओवरऑल 4,000 का आपको ये पड़ जाएगा अभी डिलीवरी। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट सेक्शन इज योर्स भाई, कमेंट कर दो, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा करता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग सो राइडर। और भाई ऋतिक भाई की स्माइल सेज इट ऑल, थैंक यू। We'll be right back.